पथिक परिक। मैं जाइडस हॉस्पिटल्स अहमदाबाद में हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज की तारीख है 28 जुलाई। आज का महत्व क्या है ये बताने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। 28 जुलाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के नाम से सेलिब्रेट करती है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि दुनिया भर में 325 मिलियन लोग इस हेपेटाइटिस से सफ़र करते हैं और उसमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस है। तो उनकी अवेयरनेस करने के लिए पूरे वर्ल्ड में आज के दिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगहों पे डिफरेंट प्रोग्राम्स करती है और जहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर्स की टॉक्स और इवन स्कूल्स में और अदर प्लेसेस पे वो वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स और प्रोग्राम्स रखते हैं, जहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसी के संदर्भ में कि ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्मली आप सबको पता होगा कि कभी ना कभी आपको बचपन में पीलिया हुआ होता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि ये जॉन्डिस क्यों हुआ, किसके कारण हुआ। जो हमें बचपन में खाने पीने से फैलने वाला जॉन्डिस होता है वो होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए और ई के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, वो एक बार हो जाने के बाद महीने डेढ़ महीने में क्लियर हो जाते हैं और उसके लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सिर्फ ए और ई प्रकार के नहीं होते, हेपेटाइटिस होते हैं ए बी सी डी और ई, जिसमें से डी इंडिया में ज़्यादातर देखा नहीं जाता है। ए और ई जो सामान्य खाने पीने से फैलने वाला हेपेटाइटिस होता है, पर आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। इसमें क्या अलग है? ये खाने पीने से नहीं फैलता है। ये आप सबको पता होगा कि ये सेक्सुअली रूट, जैसे भी HIV फैलता है वैसे ही तरीके से हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। ये सेक्सुअली फैलता है, ये अनस्टरिलाइज्ड इंजेक्शन से फैलता है और ये आपको कहीं पे भी आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लिया है जहाँ पे नीडल स्टरिलाइज नहीं हुई है, ये माँ से बेटे में भी फैलता है। ये सब तो ज़्यादातर आपको नेट पे इंटरनेट पे डिटेल्स मिल जाती है, पर जो लोगों में कॉमन हो गया है आजकल वो है टैटूइंग। तो टैटूइंग के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होता है। टैटूइंग से फैलता है ये, रेज़र शेयर करने से फैलता है और ये जब भी आपके शरीर में एंटर होता है तो इसके कोई लक्षण ज़्यादातर आते नहीं है। वो धीरे से आपके लीवर में घर कर जाता है और सालों साल तक लीवर में रहता है और धीरे धीरे करके लीवर को डैमेज करता है। उसका महत्व मैं आपको बताऊं तो आज लीवर के कैंसर का मुख्य कारण भारत देश में हेपेटाइटिस बी है, जिसे कई लोग जहरी पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। हेपेटाइटिस बी जब भी लीवर में आता है तो सालों साल आपके लीवर में रहेगा, धीरे धीरे करके लीवर डैमेज करता रहेगा और जब तक पूरा डैमेज नहीं हो जाता है आपको कोई लक्षण नहीं होंगे, कोई सिम्टम्स कुछ भी नहीं होगा। यानी जब पीलिया होता है, पेट में पानी भरता है, पैर में सूजन आती है, खून की उल्टी होती है, संडास में खून जाता है या बेहोश हो जाते हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशन जब होना शुरू होते हैं तब तक आपका लीवर परमानेंटली डैमेज हो गया होता है और वो इरिवर्सिबल है, फिर हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते या बचा नहीं सकते हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी है तो वो होने से, वो सिम्टम्स आए उसके पहले ही हम लोग पकड़ लें और उसको रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस बी अगर आपके ब्लड में है तो आपको कभी पता नहीं रहेगा जब तक आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हैं। ब्लड टेस्ट एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है। नॉर्मली लोगों को जब भी कोई ऑपरेशन करवाते हैं या कोई भी प्रोसीजर करनी होती है तो सर्जन लोग सर्जन्स होते हैं वो एज अ प्री ऑपरेटिव टेस्ट करवाते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का। वो एक सिंपल सा टेस्ट है, सिंगल प्रिक में थोड़ा सा ब्लड सैंपल से आ जाता है, टेस्ट का पता चल जाता है। और अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है यानी कि आपके खून में हेपेटाइटिस बी है तो बहुत सारे काफ़ी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूचर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए आपको एक कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको इग्नोर नहीं किया जाता है। अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो भी आपको उसके ऊपर एक्ट करना है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है और वो सबको वैक्सीन लगानी है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तीन डोज में होती है।
ये वैक्सीन जनरली इंडिया में 2002 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको तो सरकार ने नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में ही इंक्लूड कर दिया और उनको दी जाती है वॉलंटरीली, पर जो उनके पहले ही पैदा हुए या उनका जन्म पहले हुआ है उन वो लोग वैक्सीनेटेड नहीं रहते हैं, तो उनको हेपेटाइटिस बी ज़रूर से चेक करा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी की अगर वो नेगेटिव आती है तो वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। वो उसके लिए आपको कोई स्पेशल कंसल्टेशन या हेपेटोलॉजिस्ट या लिवर स्पेशलिस्ट को मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप वो रिपोर्ट लेके अपने जनरल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन से भी मिल सकते हैं और वो आपको ईजिली वैक्सीन लगा लेते हैं। ये वैक्सीन लगाने के लिए ना तो आपको कोई एज का कोई मायने रखती है, ना तो आपको कोई अलग बीमारी वगैरह कोई मायने रखती है। आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कभी भी लगवा सकते हो, पर याद रखिए वो 3 डोज में होती है और 3 डोज पे ही पूरी सुरक्षा होती है। तो जो लोग आज हेपेटाइटिस बी से नेगेटिव है और 2002 के बाद पहले पैदा हुए हैं और उन्होंने कभी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उनको ज़रूर से वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अगर हेपेटाइटिस बी आपको पॉजिटिव भी आता है तो भी चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि उसकी इलाज और बड़ी सक्षम गोलियां आज अवेलेबल है। सिर्फ एक गोली होती है जिनकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है और वो आपको लेनी रहती है, पर सबको हेपेटाइटिस बी होने पे वो दवाई की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ हेपेटाइटिस बी जिनमें वो डैमेज कर रहा होता है अब वही उन्हीं को लिवर की गोलियों की ज़रूरत होती है। इसीलिए सिर्फ हेपेटाइटिस बी होने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको ट्रीटमेंट चालू की जाएगी। हम ज़्यादातर जो पेशेंट्स देखते हैं 90% ऑफ पेशेंट्स जो हम लोग देखते हैं उनको गोली की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हर थोड़े महीनों में थोड़े लीवर के टेस्ट कराने रहते हैं और हमें सावधान रहना होता है कि कब वायरस जागे और हम लोग ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ज़्यादातर वो वायरस हमारी बॉडी ने ही टेक ओवर कम दबा के रखा होता है, लीवर के अंदर दब के रखा होता है और वो लीवर को डैमेज नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वायरस का प्रमाण काफ़ी कम होता है। इसलिए अगर आपके हेपेटाइटिस बी है तो आपको लीवर के डॉक्टर को मिलके सारे टेस्ट करा के डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपको लीवर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। उसके 2 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, इंजेक्शन भी होते हैं और गोली भी होती है। उसकी जैसे ही आप बीपी की रोज़ सुबह एक गोली लेते हो वैसे ही हेपेटाइटिस बी की भी एक गोली लेनी रहती है, और वो एकदम सेफ़ है। जो लोगों ने 8-8, 10-10 साल ली हुई है फिर भी कोई साइड इफ़ेक्ट हुई नहीं है और वो बहुत ही सक्षम है, जिसके कारण वायरस दब के रहता है, उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। रही बात हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी भी ऐसा ही वायरस है जो जब भी शरीर में एंटर होता है तो वो कोई सिम्टम्स नहीं करता है। ज़्यादातर जिनको खून चढ़ाया गया होता है 2000 साल की पहले जिनको खून चढ़ाया गया है उनको हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस है, क्योंकि उस वक्त इतने सक्षम टेस्ट नहीं थे वो हेपेटाइटिस सी को पकड़ पाने के लिए। तो उन लोगों को हेपेटाइटिस सी के टेस्ट कराने चाहिए, और अगर हेपेटाइटिस सी आपको पॉजिटिव आता है तो हेपेटाइटिस बी जैसा नहीं कि ट्रीटमेंट लेनी है या नहीं लेनी, डिसीजन लेनी है। हेपेटाइटिस सी अगर आपको है तो पक्का ट्रीटमेंट लेनी है। 2014 के पहले हमारे पास बढ़िया दवाई नहीं थी जो सिर्फ 40-50% लोगों में ही फ़ायदा करती थी, पर अभी हमारे पास एकदम बढ़िया दवाई है जिसका सक्सेस रेट नियरली 99% है और वो काफ़ी चीप है। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हो तो उनकी कीमत होती है $85,000, जब इंडिया के अंदर देखने जाओ तो उसकी कीमत होती है सिर्फ 25,000-35,000 रुपये के बीच में आपको मिल जाती है ये दवाई, और वही क्वालिटी की दवाई है जो एकदम इफ़ेक्टिव है, 99% क्योर रेट है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस सी है या आपको पहले कभी बताया गया है कि हेपेटाइटिस सी है और उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको खास ध्यान में ये वीडियो देख के अब एक्ट करना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की अभी अच्छी सी दवाई आ गई है और बैठे नहीं रहना चाहिए। ये हेपेटाइटिस बी और सी की बात की तो मेरे को एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेग्नेंट वुमेन की, उसके ऊपर मैं खास भार देना चाहूँगा। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो, जब भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो अगर उनमें हेपेटाइटिस बी है तो उनमें काफ़ी चांस होता है कि वो बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो आप अगर अलर्ट रहते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने से बचा सकते हैं। तो आपको हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान कराना चाहिए, और अगर वो पॉजिटिव है तो तुरंत एक लिवर स्पेशलिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, जिससे आपका प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे को हम लोग वो ट्रांसमिशन से बचा सकते हैं और बच्चे को नॉर्मल ज़िंदगी जी आ सकते हैं। बच्चे को तुरंत पैदा होते ही हमें इम्यूनोग्लोबुलिंस देने रहते हैं और वैक्सीन लगा लेना होता है, और बच्चे को नियरली इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन हो जाता है, जिससे जनरली बच्चे को कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है। रही बात हेपेटाइटिस बी अगर आपने मिस किया
और अगर आपने उसको ट्रीट भी नहीं किया और प्रिवेंट भी नहीं किया तो हेपेटाइटिस बी धीरे 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 करके लीवर को परमानेंटली डैमेज कर देगा और सिरोसिस कर देगा। सिरोसिस मतलब जो आपका लीवर स्पॉन्ज जैसा नॉर्मली होता है वो एकदम अभी लकड़े जैसा हार्ड या व्हाट वी कॉल गाढ़ा हो जाता है, और उसके कारण जो लीवर के जो नॉर्मली 500 काम होते हैं वो एक एक करके काम कम होने लगते हैं और हमें सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। एक बार लीवर ख़राब यानी हो जाता है यानी कि सिरोसिस हो जाता है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि अल्कोहल से हुआ है या हेपेटाइटिस बी से हुआ है, आउटकम सेम रहता है। उनको पेट में पानी भर जाता है, पैर में सूजन आ जाती है, पेशाब कम हो जाता है और फिर उनको इवेंचुअली लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना रहता है। तो हमारा टारगेट ये वीडियो का यही है कि हम आपको ये सब होने से रोके और बचाए, जैसे आप लोग अगर अलर्ट हो जाते हैं, हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराते हैं तो हम लोग काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेशन होने से रोक सकते हैं। मैं मानता हूँ ये बात आपको फ़ायदे में आएगी। जो लोग इस बीमारी के बारे में जानते नहीं हैं वो ज़्यादा जानेंगे, आप गूगल करेंगे, आप मेरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं और आपको ज़्यादा माहिती मिलेगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर से संपर्क कर सकते हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू।